हेलो गाइस, सीक्रेट वर्ल्ड के और एक नए एपिसोड में आप लोग सभी का स्वागत है। आज मैं भेद नंबर के दौरान एक घटी गए और एक रहस्यमय स्टोरी आप लोग को बताने वाला हूँ। आपकी जानकारी लेके बता दूँ गाइस, ऐसे रहस्यमय घटना की एक और पार्ट मैंने पहले ही अपलोड किया है। उसे देखने के लिए आप वीडियो के ठीक ऊपर एक आई बटन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप आई बटन पर क्लिक करना नहीं चाहते तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। भेद नंबर स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 1955 पर और ख़त्म हुआ था 30 अप्रैल 1975 पे। भेद नंबर मेनली अमेरिका और वियतनाम के बीच में हुई थी और ये लड़ाई आखिर वियतनाम ही जीत गया था। और इस वॉर के दौरान अमेरिका के कुछ सैनिक के साथ ऐसी घटनाएं घटी जो आज भी रहस्य बन के रह गई है। गाइस, ये स्टोरी एक ईस्ट अमेरिकन सोल्जर की है और मैं ये वीडियो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पीटर, मैं एक ईस्ट अमेरिकन सोल्जर था। 1965 पे मैंने आर्मी ज्वाइन की थी और आर्मी ज्वाइन करने के बाद ही मुझे 1966 पे मुझे वियतनाम वॉर के लिए वियतनाम भेज दिया गया। उस वक्त वियतनामी सोल्जर्स छुपने के लिए छोटे छोटे सुरंग का इस्तेमाल करते थे और मेरा काम था उन बंकर पे जाना और उन वियतनामी सोल्जर को मारना और उसके बाद उस सुरंग में डायनामाइट फिट करके बाहर आ जाना और उससे जगह को उड़ा देना। वो सुरंग बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे और यूएस सोल्जर छोटे हाइट के सोल्जर्स को ही इस मिशन के लिए चूज़ करते थे। मेरी हाइट भी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, इसीलिए मुझे इस मिशन के लिए चुना गया था। जब मैं वियतनाम पहुँचा तो इस काम के लिए दो लोग को चुना गया था। उनमें से एक था मैं और दूसरा था मेरा साथी सैनिक बेनोइट, क्योंकि हम दोनों की हाइट ही शॉर्ट थी। मेरे विवरण से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल है और कितना ज़्यादा रिस्की भी है। आमतौर पे ये काम जो लोग करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ही मर जाते थे। मुझे और बेनोइट को आमतौर पर वियतनाम के साइगोन के पास मौजूद कोची नाम के जंगल के करीब जो बंकर्स थे उन्हें उड़ाने का काम दिया जाता था। लेकिन उस दिन मुझे ठीक उत्तर के तरफ तनायब नाम की एक सुरंग पे भेजा गया था। वो सुरंग बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। मैं और बेनोइट उस सुरंग में पेट के बल हाथ के सहारे जा रहे थे। आमतौर पे हमने जिस सुरंग को उड़ाया था वो सुरंग बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता था, लेकिन इस बार हम जो सुरंग में घुसे थे उस सुरंग में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारी लैंप रखी हुई थी। बहुत सारी लाइट होने के बावजूद भी मुझे और बेनोइट को वहाँ पर एक अजीब तरीके का डर महसूस हो रहा था और यह सुरंग बहुत ज़्यादा लंबा भी था। हमें उस सुरंग को पार करने में लगभग 40 मिनट लग गए थे और हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो सुरंग बहुत ही ज़्यादा छोटा था। जब हमने सुरंग पार की तो हम दोनों ने राहत की सांस ली। जब हम दोनों सुरंग की दूसरी तरफ से निकले तब हमने देखा वो एक बहुत ही बड़ा कमरा था। ये सब मिशन के लिए हमें सिर्फ एक 9mm पिस्तौल और एक टॉर्च दिया जाता था, इसीलिए उस कमरे पर पहुंचने के बाद ही मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल लिए थे और मैंने बेनोइट से भी इशारा करके बताया कि अपनी पोजीशन ले लो। इस सुरंग की सबसे अजीब बात तो ये थी कि आमतौर पर हम जो सुरंग को उड़ाते थे वो बहुत छोटी होती थी, लेकिन इस पर हम जब दूसरी तरफ से निकले और इस कमरे पर पहुंचे ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मैंने नोटिस किया उस कमरे के ठीक पास ही एक दीवार पे दो बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। जब मेरे इशारे पे बेनोइट ने उस पर्दे को हटाया तब हम दोनों ने देखा कि वो एक अलग ही कमरा था और वहाँ से एक बहुत पुरानी टाइप की सीढ़ी अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा था। हम दोनों वो सीढ़ी देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गए थे। इसके पीछे ठीक दो कारण था। पहला कारण, वियतनामी सुरंग के अंदर ऐसे दूसरे सुरंग नहीं होते थे और दूसरा कि वो सुरंग बहुत ही ज़्यादा पुराना टाइप का था। वो सीढ़ी भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। उसे देखकर लग रहा था कि हम दोनों मायान के ज़माने पे आ गए हैं। फिर बेनोइट ने मुझसे कहा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, चलो नीचे चलते हैं। फिर मैंने उससे कहा हमें ऑर्डर्स नहीं है। फिर बेनोइट ने मुझे रिप्लाई में कहा कि कुछ ऑर्डर्स तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। जब हम सीढ़ी से अंडरग्राउंड वर्ल्ड पे गए तब हमने जो देखा वो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन था। हमने देखा कि हमसे लगभग 10 फीट दूर 10 अजीब तरीके के लोग खड़े हुए थे। जब हम दोनों उन लोगों के पास गए तो हमने देखा
कि वो वियतनामी सोल्जर्स ही थे। पहली अजीब बात तो यह है कि वो दोनों वियतनामी सोल्जर होने के बावजूद भी हम अमेरिकन्स को शूट नहीं कर रहे थे। जब हम दोनों लोगों की तरफ ध्यान से नोटिस किया तो हमें पता चला कि वो दोनों बिल्कुल ही स्थिर थे और उन लोगों की बॉडी बिल्कुल ही सूख चुकी थी और वो लोग वहाँ की दीवार की तरफ एक पर्टिकुलर जगह देख के अपने सर को ऊपर नीचे हिला रहे थे। हमने जब दीवार की ठीक उस तरफ देखा तो हम दोनों बिल्कुल हैरान रह गए। वहाँ पर एक लड़की की 1 फुट की सोने की मूर्ति थी, लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी बॉडी तो थोड़ी बहुत लड़की जैसी थी, लेकिन उसके बाल पूरी तरीके से एक ऑक्टोपस जैसी थी और वो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तब मुझे कुछ देर के लिए मुझे लग रहा था कि मैं हिप्नोटाइज्ड हो गया था। मैं बस उसकी तरफ देखता ही रह जा रहा था और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और तभी मुझे बिनॉइड ने बोला, रुक जाओ, उस मूर्ति को बिल्कुल मत छूना। और मैं उसी वक्त रुक गया। और फिर बिनॉइड ने मुझसे कहा, यहाँ बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया है पीटर। उसने कहा कि ये वियतनामी सोल्जर्स हिल तो रहे हैं, लेकिन उसके उन वियतनामी सोल्जर्स का पल्स रेट और हार्ट बीट बिल्कुल ही बंद हो गई थी और वो लोग सिर्फ एक जिंदा लाश थे। फिर बिनॉइड ने मुझसे कहा कि यहाँ पर जल्दी से डायनामाइट फिट करो और सुरंग से बाहर निकलो। और हमने ठीक वही किया, हमने डायनामाइट फिट की और बाहर की तरफ भागने लगे। हमने सीढ़ियों का रास्ता लिया और सुरंग की तरफ से भागने लगे। जब मैं सुरंग से रेंगते हुए बाहर जा रहा था तब मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आवाज़ थी, मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे कि वो लड़की मुझसे कह रही है कि पीछे देखो। मैं सुरंग के आगे था और बिनॉइड मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और जब मैं ठीक अपनी मुंडी पीछे घुमा ही रहा था और तभी बिनॉइड ने मुझसे कहा, पीछे मत मुड़ना, बस आगे चलते रहो। और मैं वही किया, मैं आगे चलता रहा। और आखिरकार बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि बाहर हमारे कमांडर और हमारा पूरा स्क्वाड बाहर ही हमारा इंतज़ार कर रहा था। फिर कमांडर ने हमसे पूछा कि स्क्वाड मेंबर्स, तुमने सारे वियतनामी सोल्जर्स को क्या मार दिया है? मेरे जवाब देने से पहले बिनॉइड ने कहा, हाँ सर, हमने सारे वियतनामी सोल्जर्स को मार दिया है और थोड़ी ही वक्त में ये डायनामाइट फटने वाला है। और उनके बताने की ठीक 5 मिनट बाद ही वो डायनामाइट फट गया और सुरंग से धूल निकलने लगा। और फिर मैंने अलग से बिनॉइड से पूछा कि तुमने कमांडर को सच क्यों नहीं बताया? और उसने जवाब दिया, अगर हम ये सारा सच उन्हें बताते तो हमें मेंटन हॉस्पिटल पे भेज देते, वो हमें पागल नाम से हमें नौकरी से निकाल भी देते। तो यही है कहानी। मैंने बहुत साल बाद ये कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने ये कहानी 30 साल बाद आप लोगों को पब्लिक किया है। मुझे पता नहीं आप लोगों को ये कहानी विश्वास होगी कि नहीं, लेकिन जो घटा है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। तो गाइस, यही है वो कहानी, वियतनामी वर्क का Part 2 सीक्रेट। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना और Part 1 अवश्य देखना, क्योंकि वहाँ और भी ज़्यादा सीक्रेट छुपा हुआ है। सो गाइस, और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।